हेलो फ्रेंड, द क्रिकेट पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कपल ऑफ मंथ बैक अक्षर कुमार स्टार और बेल बॉटम का टीजर आया हुआ था, उस पर हमने रिएक्शन दिया था। बहुत अच्छा टीजर था दोस्तों, एक्चुअली हमको टीज करके छोड़ा था वो, बहुत क्यूरियस कर दिया था, बहुत ही एक्साइटमेंट बढ़ा दिया था। कुछ ऐसा लग रहा था कुछ रॉ स्पाई का कुछ कहानी है शायद, एंड आई गेस कुछ 70s-80s का एरा का शायद वो स्टोरी है, वैसा कुछ लग रहा था। एंड वैसे भी जब बेल बॉटम बोला जाता है दोस्तों तो हम 70s-80s ही याद आता है। तो दोस्तों फाइनली ये अब पब्लिक में अनाउंस हो चुका है कि बेल बॉटम जो मूवी है वो अगस्त 19th को आने वाला है सिनेमा घरों में। आई गेस ये फर्स्ट बड़ा हिंदी मूवी होगा जो आने वाला है, और कपल ऑफ मूवीज भी आते, बट ये सबसे बड़ा मूवी है जो सिनेमाज में आने वाला है। तो दोस्तों इसका ट्रेलर आया हुआ है, देखते हैं ट्रेलर में हमको और क्या देखने मिल सकता है जो हमको टीजर में नहीं देखने मिला था। इसमें और भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो हमको टीजर में नहीं देखने मिला था, क्योंकि वो स्पेसिफिक अक्षय कुमार को ही था वो। तो देख दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हैं, बेल बॉटम का जो ट्रेलर आया हुआ है वो देखते अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, ट्रू इवेंट। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच है, और इस सोच को हराने के लिए दुश्मन हर पाए तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इंडियन दुबई दुबई किसी भी फॉरेन 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 कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर मिनिस्ट्री को अंडर कर सर। चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। हमारा मकसद है 210 ऑस्ट्रेलिया को बचाना। अच्छा था ट्रेलर यार, लाइक स्टाइलिश था, स्पाई वाला फीलिंग था।
एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टेंशन वाला माहौल रहेगा एंड ऐसा है कि वो चेस जैसे ही हो सकता है हम एज ए व्यूअर को हमको मालूम ना चले कि क्या हो सकता है, मालूम चलेगा और कुछ गेम है ना ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जब हाईजैकिंग का है, किसी को बचाने का स्टोरी है, तो इसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत हमको देखने मिलेगा। ये भी हो सकता है, मुझे लगता है कुछ कुछ कपल ऑफ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं जिनको नहीं भी दिखाया गया शायद मेरे हिसाब से, वो लोग इन द सेंस ऐसा होगा कि किस तरफ है मालूम नहीं चलेगा। ऐसे मूवीज में वही होता है ना, जिसको हम सोचते हैं कि वो हमारा साइड है, लास्ट में मालूम चलता है कि वो किसी दूसरे का साइड है ना। तो अच्छा लगा दोस्तों, अब देखना है कि वो जो अगर हाईजैकिंग हुआ है कहाँ पे लैंड होगा, कैसे बचाएंगे अक्षय कुमार का टीम, जो पूरा टीम है वो कैसे बचाने वाला है। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, एंड इवन लास्ट में डायलॉग भी बोलते हैं जो कि जब तक खत्म नहीं हुआ है मैंने खत्म नहीं हुआ, इट्स नॉट ओवर। तो लग रहा कुछ बहुत सारा होगा हमको, अच्छा कुछ ट्विस्ट टर्न्स देखने मिल सकते हैं। एंड ये स्पेसिफिक पूरा फोकस अक्षय कुमार के कैरेक्टर पे ही था ना, हमको खाली ग्लिम्प्स देखने मिला वाणी कपूर का, हुमा करियोसी का, जैकी भगनानी तुझे देखने मिले क्या कोई कैरेक्टर में, या मे बी कोई ना कोई कहीं ऐसा तो नहीं गेटअप था? अच्छा मुझे ऐसा लगा, हाँ हो भी सकते, करेक्ट सही बोल रही हूँ। एंड कपल ऑफ और भी होने चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि शायद जो साइड एक्टर्स हैं उसमें शायद अनुपम खेर, पारस रावल जी भी देखने मिले, ऐसा कुछ नहीं, क्या पता होंगे, देखते हैं इसमें। और एक बात स्पेसिफिक था, जो इंदिरा गांधी बने थे वो जबरदस्त बने थे यार, पूरा वैसे आइडेंटिकल वाला फीलिंग हो रहा था एंड वो तो अच्छा था। एंड अक्षय कुमार दोस्तों पूरा फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, ये लग रहा है वो स्पेशल 26 बेबी उस टाइप का वाइब दे रहा है कि एक अच्छा हमको देखने मिलेगा, पूरा टॉप फॉर्म में दिख रहा है अक्षय कुमार, मुझे लगता है कि अच्छा हमको मूवी देखने मिल सकता है। इवन वो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा था एंड उसके साथ जो कोरस था बहुत बहुत अच्छा कैची भी था एंड थोड़ा क्या बोलते हैं सस्पेंस जैसा भी था कि मतलब क्या होने वाला है, मतलब ऐसे करेक्ट कर वो मतलब थोड़ा कूल था, स्टाइलिश था एंड वो जो थीम के साथ अच्छा जा रहा है ना, अच्छा लगेगा। दो चार सीन मुझे अकेले बहुत अच्छा लगा, अगर तेको याद हुआ कुछ, एक वो आंधी तूफान आ रहा था उसमें वो जीप का जा रहा था, वो लोग वो पहने था मास्क जैसा पूरा, वो क्या है, वो बहुत सस्पेंस लग रहा था मुझे, है ना। वो दिख तो अक्षय कुमार जैसे ही लग रहे थे, अब वो किस्टर्ड है या चेस कर रहे किशोर को वो सीन मालूम नहीं चला, बहुत ही लग रहा कुछ कुछ हमको सरप्राइज एलिमेंट देखने मिल सकता है, मुझे वही फील हो रहा देख के। एक और वो मूवी किया था ना वो जो बचाते हैं लोगों को, क्या था वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, बेबी था शायद, नहीं वो राणा डगोपाटी वो लोग ना बचाने का जो वो कुछ मुस्लिम कंट्री में फंस जाते हैं ना लोग लेके आते हैं वो हाईजैक वाला कुछ था, हाईजैक नहीं कुछ अलग था, करेक्ट करेक्ट, ये जो वहां से निकाल के लेके आते हैं वो भी एयरलिफ्ट था, करेक्ट करेक्ट, वो भी ऐसे थोड़ा याद आ रहा था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों अच्छा ये थोड़ा सा मुझे ये भी शायद इंस्पायर्ड है ना रियल इंसिडेंट से, एंड थोड़ा वो पैट्रियोटिक वाला फीलिंग है दोस्तों, हमको कुछ अच्छा देखने मिल सकता है। 19 अगस्त में तो ऑलमोस्ट क्लोज टू इंडिपेंडेंस है ना। तो दोस्तों बहुत मजा आया ये ट्रेलर देखने के लिए, होप आपको भी अच्छा लगा हो, 19 अगस्त को आने वाला है सिनेमाघरों में, हम इसको जरूर देखेंगे। तो ठीक है फिर दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।